हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्जेज आना यानी सफ़ेद पानी का आना, वो क्यों आता है? क्या है ये सफ़ेद पानी? क्या ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल? ये आना सही है कि नहीं प्रेगनेंसी में? चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है। जैसे कि आप जानते हो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती समय से ही महिलाओं को ये वाइट डिस्चार्जेस देखने को मिलते हैं। शुरू में क्या होता है कि ये वाइट डिस्चार्जेस बहुत पतले होते हैं और जैसे जैसे आपके ट्राइमेस्टर बढ़ते जाते हैं, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में ये गाढ़ा होते जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो डिस्चार्जेस आपको होते हैं बिल्कुल पानी के जैसे होते हैं, पतले होते हैं। ये जो सफ़ेद पानी है, म्यूकस है, ये आपके बच्चे के गर्भ की थैली के मुंह पे उसको बांध के रखता है। अगर हम बात करें तो ये एंट्रेंस पे ही होता है और ये आपके बेबी के जो एंट्रेंस एरिया है, जो गर्भ की थैली में वो बंद है, वहाँ पे ये म्यूकस होता है, जिसे हम म्यूकस प्लग कहते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी यानी कि 9वें महीने की अगर हम बात करें, 8वें और 9वें महीने की बात, बच्चे का सर नीचे होता है, उसकी ड्रॉपिंग होने लगती है, तो ये म्यूकस प्लग अब धीरे धीरे खिसकना शुरू कर देता है बच्चेदानी का, जैसे जैसे खुलने लगता है। जैसे जैसे ये खिसकना शुरू करेगा, आपको 8वें और 9वें महीने में जो डिस्चार्जेस होंगे वो बहुत ज़्यादा गाढ़े होंगे और ये एक संकेत भी होता है कि आपकी डिलीवरी जल्द से होने वाली है, इसका संकेत ये भी माना जा सकता है। अब ये सफ़ेद पानी एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि प्रेगनेंसी में हर महिला को होती है। इसके कोई भी ऐसे नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें हैं। ये नेगेटिव तब बन जाता है जब इसके कलर में चेंज होता है, जब आपको लगेगा स्मेल बहुत गंदा है, कलर में चेंज, जैसे कि रेड ब्राउन डिस्चार्जेस आपको हो रहे हैं, येलो डिस्चार्जेस हो रहे हैं, ग्रीन डिस्चार्जेस हो रहे हैं। इस तरीके से अगर आपको कलर के साथ डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं खतरे की एक घंटी है, बता रहा है कि आपके गर्भ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है, प्राइवेट एरिया ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा इचनेस हो रही है, इरिटेशन हो रही है, ये सारा कुछ बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन का आप शिकार हो चुकी हैं। तो जैसे ही बच्चा हेड डाउन करता है, गर्भाशय पर दबाव पड़ने लगता है, म्यूकस प्लग धीरे धीरे निकलने लगता है, खिसकने लगता है और 8वें और 9वें महीने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्चार्जेस हो सकते हैं, सफ़ेद पानी आ सकती है। तो जब सफ़ेद पानी सिर्फ आ रही है कम अमाउंट में, डिलीवरी होने वाली है इसका भी संकेत है, साथ ही आपकी डिलीवरी या प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जा रही है इसका भी संकेत है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से लेकर 9वें महीने तक आपको डिस्चार्जेस हो सकते हैं। शुरुआती डिस्चार्जेस जो होंगे वो कम अमाउंट में होंगे, साथ ही पतला होगा और ज़्यादा ये अमाउंट में आपको डिस्चार्जेस नहीं होंगे। लास्ट मंथ में जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ता जाएगा, डिस्चार्जेस बढ़ते जाएंगे और साथ ही वो तरल से थोड़ा सा गाढ़ा होते जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकती हैं कि आपके प्रेगनेंसी में आपके हेल्थ कैसी है। अगर बात करें कि शुरुआती प्रेगनेंसी में सफ़ेद पानी के साथ आपके पीठ और कमर और पेट के निचले सतह में बहुत ज़्यादा दर्द है और वो दर्द नहीं रुक रहा है, प्रेगनेंसी रुकने के बाद की बात मैं कर रही हूँ, और वो दर्द नहीं रुक रहा है, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि और वो सफ़ेद पानी और वो ब्राउन डिस्चार्जेस भी हो सकता है, वाइट डिस्चार्जेस भी हो सकता है, डिस्चार्जेस काफ़ी मात्रा में आपको हो रहे हैं, स्पॉटिंग भी, ब्लीडिंग की अगर आपको नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी एक संकेत माना जा सकता है, जिसके लिए आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आखिरी महीने में भी डिस्चार्जेस के कलर में चेंज मिल रहा है, साथ ही दर्द, और आपको इन्फेक्शन की अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो भी आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अगर आपको अपनी दिनचर्या में कुछ भी ऐसा बदलाव नज़र आता है जो कि आपने पहले नहीं अपने प्रेगनेंसी में देखा है, तो तुरंत से तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिले और ट्रीटमेंट लेना शुरू करें या फिर उनसे कंसल्ट करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।